तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? तो दोस्तों, मैंने एक कम्युनिटी में एक कमेंट पाई थी कि मैं ड्रॉ ब्रिक्स पर एक वीडियो बनाई हूँ। तो दोस्तों, मैं बनाऊंगा आज। तो सबसे पहले आप एक इस गेम को कैसे खेलना है, सबसे पहले आप इसका मेन चीज़ जानते हैं कि ये जो है यहाँ पर कोई ब्लॉक सा बना हुआ है, इसे प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आप सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, आप बना सकते हो जो भी। लेकिन मुझे कार बनानी है तो मुझे 3 ऑप्शन के टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे नीचे मिलेगा क्रिएट भी है कल, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आपको क्या बनाना है, तो मैं बनाऊंगा एक कार। तो सोच रहा हूँ कि मैं लॉस रॉयस बनाऊँ। वैसे मैंने फोटो तो देखे थे लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं आई, लेकिन तभी मैं बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग हमें व्हील्स दी हुई है, जैसे कि प्लेन के, ट्रेन के और बुलडोजर के, ऐसे ही कुछ। तो मैं ऐसे कार के व्हील सेलेक्ट कर लूँगा। तो रोल्स रॉयस कुछ चौड़ी सी कार है, तो अभी मैं रोल्स रॉयस की ऐसी चौड़ी सी कार बना रहा हूँ। अगर आपको इस ब्लॉक को मूव करें तो यहाँ पे 5 नंबर के ऑप्शन पर आपको दिखेगा ये, तो आपको इस पर क्लिक कर देना सिंपली। तो यहाँ पे मैं इसको 1.5 पे यूज़ करता, तो मैं इसको कर दूंगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ से ब्लॉक को चला लेना आगे। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो चलिए आगे भी देखते हैं क्या है। तो भाई ये बस समझे कि मैं छपरी कार बना रहा हूँ, मैं रोल्स रॉयस ही बना रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि रोल्स रॉयस मैंने बहुत देखी है, वो बहुत अच्छी कार है। तो अगर आप पीछे हो रहे हैं तो ये फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पे चल जाइए, आप आगे हो जाएंगे। तो अब मैं इस पे इसके अंदर के पहले पार्ट बनाऊंगा, पहले बोनेट बनाऊंगा कार का, मतलब कार के नीचे का बोनेट साइड जो होता है कार में। तो यहाँ पे होगा हमारा इंजन। इंजन लेने के लिए भी आपको यहीं पे सिलेक्ट करें जहाँ पे मैंने किया था। सेलेक्ट करने के बाद आपका खुल जाएगा। तो यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, एकदम नीचे। तो यहाँ पे मुझे इंजन का ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। तो ये रहा इंजन का ऑप्शन। तो इंजन तो भाई ब्लैक कलर का ही होता है, तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कम से कम 2 इंजन सेट करूँगा, तो इसे थोड़ा सा एक और सेट बना के इसे सेट कर दूँगा, क्योंकि भाई इंजन सही से लगा नहीं है। तो यहाँ से मैं फिर से वही ऑप्शन बनाऊंगा, 1.5 सेलेक्ट करूँगा, तो इसे थोड़ा आगे कर लूँगा उसको भी। अब हमारा कार का इंजन बिल्कुल तैयार है। ये क्या हो गया, ये क्या हैक हो गया? तो गाइस कुछ हो गया था, तभी मैं अब इसे ठीक करूँगा। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली वही सेम चीज़ करनी है। तो फिर से यहाँ से इंजन में लूँगा, हमारी रोल्स रॉयस अच्छी होनी चाहिए, एकदम मस्त वाली। तो मैं ऐसे इसे 1.5 सेलेक्ट कर लिया और हमारा बनके तैयार हो गया, ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो कार का ये वाला स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉक लेंगे, इसे आगे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे।
तो गाइस मैं आपको इस गेम में की एक चीज़ बता दूं कि आप बनाकर इसे पब्लिश भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है इन्होंने डाली है। तो जिस कंपनी में बनाया मैं उसे 5 स्टार रेटिंग देता हूँ। तो गाइस हमारा सब बन के तैयार हो चुका है, तो अब इसे थोड़ा सा एक और बार ही आगे कर देता हूँ ताकि हमारा बहुत अच्छा बन जाए। तो यार फिर से मैं वही कलर लूँगा ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक और बस, तो एक और बस एक और। तो गाइस हमारी कार लगता है नागिन बन जाएगी, तो मैं थोड़ा और का आगे कर देता हूँ। बस हो गया, ये कार का हमारा पार्ट बन गया, इंजन पार्ट वहाँ पे है। तो अब हम इसे कस्टमाइजेशन करेंगे। तो कस्टमाइजेशन के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कुछ उल्टे सीधे ब्लॉक भी आपको दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ से चुन लेता हूँ, मतलब मैं चुनूँगा यहाँ से, अगर मुझे सही मिलता नहीं तो मैं कोई बात नहीं वही ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई ब्लॉक चुनने का मन कर रहा है तो मैं उसे कोई भी चुन लेता हूँ। तो मैं क्यूब तो ले सकता, क्यूब को फिर कस्टमाइज करने पड़ेगा, तो मैं यही ब्लॉक से ही यूज़ करूँगा। तो अब काला रंग हटाकर मैं कोई दूसरा रंग ले लेता हूँ, वाइट ही ले लेता हूँ अभी के लिए। तो अब हमारी ये जगह तो तैयार हो गई। यहाँ पे मैं कार के आंखें बनाऊंगा, मतलब उसकी हेडलाइट्स, मैं उसे आंखें कह रहा हूँ। तो अब मैं कार की हेडलाइट्स बनाने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे ये सब डिलीट करना पड़ेगा जो भी है। तो यहाँ से हेडलाइट का मैं कोई भी चुन लेता हूँ ऑप्शन, मुझे लगता है इससे हेडलाइट अच्छी बन सकती है। ये तो गलत बन गया। तो मेरे ख्याल से हेडलाइट अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे तो अच्छी वैसे लग नहीं रही है, लेकिन मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि ये अच्छी लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो अब हेडलाइट के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, तो मैं वही मोटा वाला ब्लॉक लूँगा। ये पतले वाले ब्लॉक बहुत बेकार से हैं, काम बहुत गंदे गंदा कर रहे हैं मेरा। तो मैं यहाँ पे ज़रा ग्रे कलर लेता हूँ, क्योंकि कार हमने बनानी है कलरफुल, मतलब छपरी नहीं बनानी, अच्छी कार बनानी है। छपरी बनेगी तो फिर भाई रोल्स रॉयस कहते हो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और इस पे मैंने लिख भी देना रोल्स रॉयस, ये क्या भाई, डिलीट पे मैंने किया हुआ था, ये क्या छपरी बन गया, ये तो इसे काला करना पड़ेगा। छपरी होड़ला बनाना, हमने हमने बनाना है मस्त वाला रोल्स रॉयस की आंखें। तो वैसे मुझे आंखों का स्ट्रक्चर मुझे लगता है ठीक है, तो मैंने छपरी को ठीक कर दिया वापस से, क्योंकि भाई इसमें कलर कभी चेंज नहीं होता अपने आप, आपको करना पड़ता है। अरे भाई फिर गलत बन गया, छपरी बन रहा है ये तो। गाइस यहाँ पे कोई मैं पतला वाला सेलेक्ट करूँगा कलर, क्योंकि आगे का बन ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसे आगे ले जाता हूँ, और यहाँ से बोनट को क्लोज भी करना है। ये क्या रोल्स रॉयस बनाना है मैंने, ट्रेन नहीं,
तो गाइस मैं आपको ट्रेन का भी दूंगा ट्यूटोरियल, इंडियन ट्रेन सिमुलेटर जैसे। तो गाइस हमारा बोनेट एकदम से क्लोज हो चुका है। तो गाइस हमारा रोल्स रॉयस अभी बना ही नहीं, लग नहीं रखी है रोल्स रॉयस है। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो जल्दी से भाई जल्दी बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे ये ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। तो गाइस देखिए कितने अच्छे से हमारा वो हो गया कवर, देखिए कितने अच्छे से कवर हो गया। तो इसके अंदर हमारा बोनट है, तो वह इसे भाई क्या है ये, पागल हो गया क्या? तो भाई अब मैं इसको भी कर दूंगा कवर। तो भाई कवर हो गया हमारा, तो तरीका तो बहुत गंदा है कवर होने का, लेकिन अच्छी तरह कवर हो गया। तो बोनेट यहाँ पे हमारा लग गया। तो यहाँ से मुझे बोनेट को क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सब दिखाई दे रहा है अंदर का। तो यहाँ से क्लोज़ करने के मुझे लगता है ये वाला, मुझे ये क्या हो गया, ये देखो फिर छपरी बन गया। ये ही भाई इस गेम का मेन रीज़न है कि छपरी बन जाता है। तो गाइस अब ठीक लग रहा है, अब रोल्स रॉयस का कुछ मुझे पार्ट ठीक लग रहा है, ये मोटा सा रोल्स रॉयस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस अब मैं इसके इंटीरियर पे वर्क करूँगा। तो इंटीरियर पे वर्क होगा, अब ये क्या फिर छपरी बन गया ये, तो भाई छपरी पे छपरी बनी आ रही है क्या है, एक भी तो बिट्टी नहीं रहा है। चलिए ये क्या भाई, ये क्या है यार, मैंने कलर सेलेक्ट किया ग्रे, ये क्या हो गया ब्लू। साले छपरी तेरे को बनने की पड़ी है क्या, बना भी दूंगा छपरी। तो रोल्स रॉयस का सारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, तो मैं इसको अब इधर कस्टमाइजेशन कर देता हूँ। देखिए पहिए कितने छोटे हैं, कार का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है। तो वैसे मुझे तो रोल्स रॉयस किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, ये तो मुझे कोई बीमेंजी ड्राइव का व्हीकल लग रहा है। मुझे ये लगता है मैंने रोल्स रॉयस की जगह बीमेंजी ड्राइव का व्हीकल बना दिया। देखिए कितना बड़ा सा मोटा सा व्हीकल बन गया, ये रोल्स रॉयस है ही नहीं है, ये बीमेंजी ड्राइव का व्हीकल है। तो आज से इसका नाम है बीमेंजी ड्राइव व्हीकल, यार कोई रोल्स रॉयस तो मुझे लगता ही नहीं है, किसी एंगल से मुझे रोल्स रॉयस लग ही नहीं रहा है। तो गाइस मैं देखूंगा प्रैक्टिस करके रोल्स रॉयस बना दूंगा। तो गाइस बुरा मन मानिएगा, तो मैं इसे छपरी कलर में अच्छा कलर बना देता हूँ, क्योंकि हमारा ये रोल्स रॉयस अब नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा कि रोल्स रॉयस बनेगा हमारा बहुत ही सुंदर वाला, लेकिन बनया क्या, एक बीमेंजी ड्राइव का व्हीकल बन गया। तो बन गया हमारा पूरी तरह व्हीकल, तो बस इसके अंदर पे वो डाल देना स्टेयरिंग, स्टेयरिंग व्हील डाल देना। तो आपको स्टेयरिंग व्हील भी मिल जाएगा ऐसे। तो कल गाइस मैं ट्रेन का आपको ट्यूटोरियल दूंगा,
ये तो बेकार चीज़ है। तो गाइस पार्ट 2 कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, जरूर बोलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।